ओके सो गाइज जी हमारे रुपेश भाई है, तो ये डर्ट बाइक एक्सपर्ट भी है, ये सिखाते भी है और इनका खुद का एक स्पेशल ट्रैक भी है। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. This is Rahul और होप है कि आप भी मेरी तरफ बड़े होंगे और guys बड़े रहना। So specially आज का vlog shoot हो रहा है घर से और आज का जो हमारा main motto है, आज हम जा रहे guys horse riding करने। Actually एक रुपेश भाई है जो हमें मिले थे एक event में, Hero Expulse का एक event था तो उसमें मिले थे। So उनके पास हॉर्स है तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन हुआ, अच्छा बॉन्डिंग हुआ, अच्छी फ्रेंडशिप हुई, तो भाई उन्होंने कहा कि भाई हमें उनके पास हॉर्सेस है आप आ जाओ। तो आज हम जा रहे हैं उनके फार्म पर हॉर्सेस देखने और उसका राइड करने। तो आज मेरे साथ बेसिकली जा रहे हैं मेरा भाई और निखिल, हम तीन लोग जा रहे हैं और वहां जाके हम हॉर्स राइडिंग करने वाले और रुपेश भाई वहां जाके भाई मिलेंगे हमको, हर एक वहीं पे ज्वाइन करेंगे और वहां से हम जाएंगे उनके फार्म। तो चले गाइस निकलते अभी राइड के लिए और उनके फार्म करवाना पड़ेगा क्योंकि गाइस अपने बाइक में पेट्रोल लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो पहले पेट्रोल भरवाते हैं और वहाँ पे हमारे निखिल सर जो वेट कर रहे हैं कि जाने के लिए, तो पहले पेट्रोल भरवाते हैं फिर उनसे मिलते हैं फिर निकलते हैं फार्म के लिए। तो गाइस जल्दी जल्दी फ्यूल अप करवाते हैं निकलते हैं क्योंकि अभी बज रहे 12, तो चलिए जल्दी फ्यूल अप कराते हैं और निकलते हैं। बस क्या का? तो गाइस अभी फ्यूल अप करा के हमारा हो गया है, अभी निकल पड़े, अभी देखते हैं निखिल सर को पिकअप करते और वहां से निकलते हैं अभी डेस्टिनेशन की ओर। हेलो, अरे चड्डी उड्डी पहन के। सो गाइस अभी निखिल सर से हमने मिल लिया है, अभी निकल रहे और निखिल सर की बाइक भाई ऑफ रोडिंग अच्छी लग रही है, हीरो एक्सपल्स 200V4 तो अच्छी लग रही है। और गाइस आप ऑफ रोडिंग बाइक होना अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई ऐसी बाइक, ऐसी एडवेंचर बाइक अगर आपके पास हो तो आप किसी भी मोड़ पे किसी भी तरीके से बाइक चला सकते हो क्योंकि भाई ये बाइक एडवेंचर होती है और कहीं पे भी फंसती नहीं है। और ये भाई साहब यार इनका भी एक अलग ही स्वैग होता है, कहीं पर भी घुस जाते हैं, कहीं पर भी इनकी मनमानी चलती है। चलो छोड़ो, हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो ऑफ रोडिंग बाइक, ऑफ रोडिंग सेगमेंट की बाइक भाई कभी कहीं पे भी नहीं फंसती, अच्छी लगती है। मतलब किसी भी डर्ट पोर्शन हो या कहीं पे भी, जैसे रोड पे हो या जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो भाई बाइक फंसती नहीं है, मज़ा आता है बाइक चलाने के लिए और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा होता है। जैसे मेरी ये स्पोर्ट्स बाइक है KTM ड्यूक, तो ये इस बाइक को अगर मैं ऑफ रोडिंग कराने जाऊँ तो भाई पीछे का जो व्हील होता है ना तो जगह पे ही घूमता है तो ग्रिपिंग नहीं मिल पाती, तो ये बेनिफिट होता है वहाँ इस बाइक का। रात के टाइम में ये गाइस ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि ये जो LEDs है तो एक पर सारे के सारे LEDs जलते हैं तो रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और वो देखो ये रास्ता बनाने के लिए पूरा पहाड़ तोड़ दिया है, पहले एक हफ्ते पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन भाई देखो अभी पूरा पहाड़ तोड़ दिया है इन लोगों ने। सो गाइस अभी हम मिले रुपेश सर से और अभी हम जा रहे हैं उनके साथ उनके फार्म, उनके हॉर्सेस देखने। जैसे कि मैंने बताया नहीं आपको लेकिन अभी उनके हॉर्सेस भी है तो हम जा रहे हैं अभी उनके फार्म उनके हॉर्सेस देखने, तो चलिए आपको ले चलते हैं। और ये सामने चल रहे हैं रुपेश सर।
गॉड, ऑफ रोड ओ भाई, कहाँ आ गए हम, गए इनका फार्म। सो गाइस, अभी हम आए हैं रुपेश सर के फार्म पर और ये चेक करें बॉयज, मैं आपको एक सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ। सो ये देखिए, जिसके लिए हम आए थे, और ये रहा वो सरप्राइज गाइस, ये चेक करें, ये ब्लैक ब्यूटी एक्चुअली फीमेल है और बहुत शांत है। सो गाइस, इसकी हम राइड करने वाले हैं और इसे लेके हम जाएंगे एक अच्छे से पॉइंट पे। अभी रुपेश सर गए बाहर, तो जब आएंगे तो इसको बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे इसका अच्छा अच्छा व्यू और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए। सो गाइस, एक बार चेक करिए बॉयज, ब्लैक ब्यूटी। अरे 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 बेबी। Moments later. So guys, पहली बार एक घोड़े को इतने पास से देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा शांत है गाइज ये। एक्चुअली कि डर लगता है क्योंकि लात कोई लात ना मार दे, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा शांत है और अच्छा लग रहा है। इसको भी अच्छा लग रहा है ऐसे सहलाते हुए और हमें भी। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं हॉर्स की हॉर्स राइडिंग करने, क्योंकि हमें अभी अभी हमारा प्लान बना कि हॉर्स राइड करते हैं। सो गाइज, हम अभी निकल रहे हॉर्स राइडिंग के लिए। तो गाइस, सर ने आगे हॉर्स लेके गए, अभी उनके पीछे हम जा रहे हैं, तो चलिए हॉर्स राइडिंग करते हैं। इससे पहले लाइफ में कभी मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो कैसे होता है पता नहीं, देखते हैं कि राइड करना होता है या नहीं, या करना है या नहीं, क्योंकि वहाँ जाके सोचेंगे भाई हॉर्स राइडिंग करें या ना करें, क्योंकि डर लग रहा है भाई। पहले फर्स्ट टाइम हॉर्स को इतने नज़दीक से देखा है और फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करेंगे। क्या मस्त लग रही है भाई, एकदम चमक रही है। ओ बॉय, काफी सुंदर, काफी सुंदर। तो गाइस, अभी हम आए इस तरह की जगह पे और ये है एक रेस्टो, और लोकेशन भाई बहुत ही बढ़िया, ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। A few moments later. Okay. चलो गाइज, अभी हमारे निखिल सर की बारी है राइड करने की, तो वो राइड कर रहे हैं अभी। ये देखिए बॉयज, कौन लेके सर, लेफ्ट राइट। ओके,
अच्छा ओके चलो एवढं नाजूक होता नाही ना मागे थोडं पकडलं पुढे पकडलं तरी जाणं फक्त थोडंसं ओके पावर स्टेरिंग सारखं होईल आणि लांब नाही वाढायचं असं जागेवरती डर लग रहा है मुझे इधर 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 चलो नहीं बोला चलो 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 एकदम मस्त ओ भाई चलो सो गाइस हमारी हॉर्स राइडिंग हो गई है अभी और जिनके पास चलो चलो सो गाइस जिनके पास हम आए थे तो रुपेश भैया ओके चलेगा भैया सो गाइस हम जिसके जिनके पास आए थे वो रुपेश भाई तो इनकी ये प्यारे सी नेबुला एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन नेबुला ओके तो ये भाई गाइस ये रहे तो इनकी इनकी जो हेलो हाँ तो ये हॉर्स इनकी ही है तो इन्होंने हमें चांस दिया इसको राइड करने का तो बहुत अच्छा लगा सो गाइस जो हमें रुपेश भाई है तो ये डर्ट बाइक एक्सपर्ट भी है ये सिखाते भी है और इनका खुद का एक स्पेशल ट्रैक भी है तो मोस्ट ऑफ नेक लोग इनके साथ आ सकता है कि भाई हम ट्रैक करते हुए आपको उस ट्रैक पे मिले डर्ट बाइक के साथ और बहुत से वीडियो इनके साथ आने हैं तो अभी जेम अभी हमारा जो सफ़र है इनके साथ शुरू हो चुका है सो बहुत से वीडियोस इनके साथ आने हैं तो अच्छा लगता है इनके साथ ऐसे नए लोगों से मिल के बातें करके कुछ इनके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर होते हैं और हमारे भी तो बेसिकली हम जो नए हैं तो इनसे इनके साथ बहुत कुछ हमें सीखना है ये भी हमें सिखाते रहेंगे तो अच्छा लगता है सो गाइज अभी हो गया हमारा राइड करके क्योंकि बहुत धूप भी हो गई थी और नेबुला थोड़ी चिड़चिड़ कर रहे थे तो अभी हम निकल रहे और इसके साथ बहुत सारे हमारे वीडियो आने वाले हैं अगले वाले ब्लॉग में तो वो देखते रहिए ये रही नेबुला बहुत ही खूबसूरत है गाइज गाइज हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम सब आए थे यहाँ पे नाश्ता करने क्योंकि बहुत थक गए थे ह्यूमिडिटी के कारण भाई बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था तो हम यहाँ पे आए थे नाश्ता करने अभी नाश्ता हमारा हो गया अभी निकल रहे घर के लिए सो गाइज हॉर्स राइडिंग का ये ब्लॉग आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत मजा आया क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग किया तो बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस था तो होप है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो इस ब्लॉग का भी यही पेंट करते होप है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो पसंद तो गाइस लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लिए ले जाता रहो अभी के लिए टिल देन बाय बाय